नमस्कार भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एजुकेशन इंडिया चैनल पर। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे सियासी खबरों के बारे में जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश से निकल के सामने आ रही है, जहां पर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा है, जिसके बाद में कांग्रेस पार्टी हिल चुकी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भीतर अंतर कलह देखने को मिली है, जिसके बाद में 30 विधायक पार्टी को बदलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे। इसी कारण राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार डगमगा चुकी है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में भी एक बहुत ही बड़ी चाल चल दी, जिसके बाद में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में फिर से अड़कम मची और सियासी पारा चढ़ने के साथ ही सियासी हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह अपनी पार्टी को छोड़कर कमल पर सवार होने जा रहे और भंगवा धारण करने जा रहे हैं। दोस्तों, अभी हम आपको इन सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानकारी इस वीडियो में देंगे, तो दोस्तों इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पास ही में आ रहे घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा, ताकि दोस्तों आपको आगे भी सियासी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। और साथ ही दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक भी करिएगा, ताकि आपका सपोर्ट भी इस वीडियो को मिले। तो दोस्तों चलिए अभी देखते हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर आ रही बड़ी खबरों के बारे में संपूर्ण जानकारी, जिसके बाद में कांग्रेस पार्टी हिल चुकी है और कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगने के साथ ही मोदी लहर चल चुकी है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश को लेकर आ रही बड़ी खबर के बारे में, जहां पर मध्य प्रदेश में सियासी जंग शुरू हो चुकी है और इस सियासत की महाभारत में कांग्रेस पिसती हुई नजर आ रही है, और इसी कारण कांग्रेस पार्टी के परकच्चे उड़ चुके और कांग्रेस पार्टी हिल चुकी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सामने तीन बड़ी चुनौती आ चुकी है मध्य प्रदेश में, और इसी कारण कांग्रेस पार्टी टूटकर बिखर जाने वाली है मध्य प्रदेश में। और इसी कारण बताया जा रहा है राजनीति विशेषज्ञों के अनुसार कि कांग्रेस पार्टी की सियासत मध्य प्रदेश से अब खत्म होने जा रही है। तो दोस्तों आपको बता रहे तो मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ी चुनौती है कांग्रेस पार्टी के लिए वह है असंतोष को संभालना, क्योंकि लगातार बगावत देखने को मिली है कांग्रेस पार्टी के भीतर, जिसके बाद में दिग्विजय सिंह भी अपनी पार्टी को छोड़ने में टिक चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने दिग्विजय सिंह को दरकिनार कर दिया और ऐसे में दिग्विजय सिंह अपनी पार्टी को बदलकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा और कमल पर सवार होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी को मजबूती के साथ सरकार देने जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता रहे तो कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि पार्टी के भीतर उबल रहे असंतोष पर काबू पाना, और संगठन में गुटी और राजनीति के कारण ऐसे अनेक धड़े हैं जिनके असंतोष व आक्रोश के कारण अलग अलग जो है राजनीति खेली जा रही, और सिंधिया खेमे की दगाबाजी को कारण मानने वाले ज्यादा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो नेता कह रहा है कि सिंधिया यहां पर गए इसी कारण कांग्रेस पार्टी हिली है, और ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अलग अलग धड़े हैं जो कि कह रहे हैं लगातार और उनकी अलग अलग राय, और ऐसे में असंतोष देखने को मिल रहा है, और कुल मिलाकर नाकों से पार्टी के भीतर कई नेता, और इसी कारण कांग्रेस पार्टी में जो लगातार उबलता आ रहा है असंतोष, उसी को कम करना एक बहुत ही बड़ी चुनौती। और ऐसे में बताया जा रहा है कि यहां पर कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी की राजनीति खत्म हो जाएगी मध्य प्रदेश में। और वहीं दोस्तों दूसरी बहुत ही बड़ी यहां पर चुनौती सामने निकल के आ रही है, जहां पर अनेक नेता पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को सत्ता गंवाने की वजह मानते हैं, और ऐसे लोग जो है पार्टी में खेमेबाजी को ही सबसे बड़ी वजह मानते हैं, जिसके बाद में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को दरकिनार किया जा रहा है और ऐसे में दिग्विजय सिंह को बर्खास्त किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी से, जिसके बाद में दिग्विजय सिंह पार्टी को बदलने जा रहे। और वहीं दोस्तों आपको बता रहे तो अगली एक और बड़ी चुनौती आ रही है कि उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना होगा, अन्यथा फिर सरकार आना मुश्किल। और जैसा कि कहा गया था कुछ दिन पहले कि 15 अगस्त को फिर कमलनाथ तिरंगा फहराएंगे, और यदि उपचुनाव में सीटें नहीं जीत पाती है तो यहां पर कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी की फिर से सरकार नहीं बनेगी, और फिलहाल तो कुल मिलाकर असंतुष्ट सारे विधायक नाखुश है कांग्रेस पार्टी के भीतर, और इसी कारण बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की राजनीति कुल मिलाकर मध्य प्रदेश
इसमें अब खत्म होने जा रही है और विंध्य जैसी स्थिति बन चुकी है कांग्रेस पार्टी के भीतर। और वहीं दोस्तों आपको बता रहे तो मजबूती के साथ विपक्ष जो है उबर रहा है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से कमजोर होती जा रही है और इसके बाद में कांग्रेस पार्टी की राजनीति मध्य प्रदेश में खत्म हो रही है और कांग्रेस पार्टी कुल मिलाकर कहा जाए तो यहां पर दब चुकी है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जाल के कारण, चाल के कारण, चक्रियों के कारण और कुल मिलाकर मोदी लहर ने कांग्रेस की बाजी को पलट के रख दिया, जिसके बाद में कांग्रेस पार्टी के भीतर ही पलटवार देखने को मिला और कांग्रेस पार्टी के भीतर अंतर्कलह देखने को मिली है और इसी कारण कांग्रेस पार्टी की सियासत इन दिनों फिर से गर्मा चुकी है, जिसके बाद में कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पसीने छूट चुके हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी में लगातार असंतोष देखने को मिला है, जिसके बाद में कांग्रेस पार्टी की सियासत खत्म होने जा रही है मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश को लेकर बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही थी कांग्रेस पार्टी के लिए, जहां पर कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लग रहा और भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ उभर रही है। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करते हैं जो कि राजस्थान सरकार को लेकर और कांग्रेस को लेकर निकल के सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में भी तगड़ा झटका लग रहा है, जिसके बाद में राजस्थान की राजनीति में भी भूचाल आ चुका है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भीतर राजस्थान में भी अंतर्कलह देखने को मिली है क्योंकि राज्यसभा उम्मीदवार चयन को लेकर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने सीएम गहलोत के करीबी को टिकट दे दिया था, जिसके बाद में बगावत तेज हो चुकी है और बगावत इस कदर तेज हुई है कि सचिन पायलट ने इस्तीफा देने की बात कह दी है, यानी कुल मिलाकर सिंधिया इफेक्ट देखने को मिल रहा है राजस्थान में। और कुल मिलाकर बात कही जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बड़ी बात निकल के सामने आ रही है, जहां पर यदि सचिन पायलट इस्तीफा देते हैं कांग्रेस पार्टी से तो सिंधिया की तरह ही कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी एक बार फिर से राजस्थान में, यानी मध्य प्रदेश जो ट्रेलर देखने को मिला था को भारत देश में उसी प्रकार की पिक्चर अब राजस्थान में देखने को मिल सकती है। और दोस्तों बताएं ये जा रहा है कि कुल मिलाकर सचिन पायलट के 100 समर्थक विधायक है वह 30 से 35 विधायक है और यदि सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं और यदि कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देते हैं तो कुल मिलाकर 30 से 35 विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ जाएंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में होंगे और वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और ऐसे में कांग्रेस पार्टी को कुल मिलाकर संकट घेर चुका और अब यहाँ कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती बनकर आ चुका है कि अंतर्कलह को रोका जाए। कुल मिलाकर कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ी है उसको कम किया जाए ताकि कांग्रेस पार्टी के जो संकट के बादल आए ऊपर उसको यहाँ पर दूर कर दिया जाए और कांग्रेस पार्टी उभर जाए इन संकट से, इन खतरों से। और दोस्तों ये बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है राजस्थान सरकार को लेकर भी, जहां पर कांग्रेस पार्टी को बहुत ही बड़ा खतरे ने घेर लिया है तो वही भारतीय जनता पार्टी की मोदी लहर निकल के सामने आ रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बुने हुए जाल में कांग्रेस पार्टी फंस रही है और भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनती हुई नजर आ रही है राजस्थान में भी। और मध्य प्रदेश का जो ट्रेलर देखने को मिला है उसकी पिक्चर अब राजस्थान में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार से मध्य प्रदेश और राजस्थान की सियासी खबरों को लेकर बहुत ही बड़ी बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही थी हमारे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने संपूर्ण जानकारी दी है आपको आज की सियासी खबरों के बारे में। तो दोस्तों यदि आपको ये सियासी खबरें अच्छी लगी है तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करिए और साथ ही अपने सभी भाइयों बहनों मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर भी करिए। तो दोस्तों आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम और साथ ही भारत माता की जय।